नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पटना से पूर्णा तक चलने वाली पटना पूर्णा एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पटना से पूर्णा तक चलने वाली पटना पूर्णा एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है पटना जंक्शन से हर शनिवार को पूर्णा जंक्शन महाराष्ट्र के लिए रवाना होती है और इसका ट्रेन नंबर है 17609। और ये जो ट्रेन है 32 घंटे 25 मिनट का समय लगाती है पटना जंक्शन से पूर्णा जंक्शन तक, और इसके तकरीबन 19 स्टेशन्स हैं और 1733 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 53 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, साउथ सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। ICF कोचेज वाली ट्रेन है और वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। ये जो ट्रेन है हर रोज़ नहीं चलती, सिर्फ शनिवार को चलती है और इतवार को है जो है पूर्णा जंक्शन में पहुंच जाती है। अगर बात करें रूट मैप के बारे में तो ये पटना जंक्शन से स्टार्ट होती है, बाद में उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए ये प्रयागराज ज्योकी में पहुंचती है, फिर ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के सतना जंक्शन जबलपुर, फिर महाराष्ट्र के नागपुर वरोड़ा आदिलाबाद हजूर साहिब नांदेड़ होते हुए ये ट्रेन जो है पूर्णा जंक्शन महाराष्ट्र में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें पटना पूर्णा एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो पटना जंक्शन से पूर्णा जंक्शन तक का बताऊंगा। वैसे इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं, तो सभी कोचेस का मैं आपको किराया बताऊंगा। जनरल डिब्बों के अलावा आपको सभी कोचेस में जो है रिजर्वेशन के साथ जाना है। सेकेंड एसी का पटना से पूर्णा तक का जो टोटल किराया है वो है 2735 रुपये, जिसमें 2554 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 131 रुपये है, टोटल किराया 2735 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो पटना से पूर्णा जंक्शन तक का जो टोटल किराया है वो है 1880 रुपये, जिसमें 1750 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 90 रुपये है, टोटल किराया जो है मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो पटना से पूर्णा तक का जो टोटल किराया है वो है 710 रुपये, जिसमें 690 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल फेयर जो है वो है 710 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। बाकी अगर जनरल डिब्बों की बात करें तो जनरल डिब्बों के तकरीबन इसमें चार कोच हैं जिसका 440 रुपये के करीब किराया होगा, जो कि पटना जंक्शन से पूर्णा जंक्शन तक का बता रहा हूँ। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे पटना से पूर्णा तक चलने वाली पटना पूर्णा एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। पटना पूर्णा एक्सप्रेस जो कि पटना जंक्शन से हर शनिवार को सुबह 7 बजे रवाना होती है और इसके तकरीबन 19 स्टेशन्स हैं, 32 घंटे 25 मिनट बाद ये ट्रेन जो है पूर्णा जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचती है और इसके तकरीबन 19 स्टेशन्स हैं और 1733 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसके बाद पटना पूर्णा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आरा जंक्शन बिहार में सुबह 7:38 पर पहुँचती है और 7:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पटना पूर्णा एक्सप्रेस जो है वो बिहार के आखिरी स्टेशन बक्सर रेलवे स्टेशन पे सुबह 8:22 पर पहुँचती है और 8:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 118 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगलसराय भी कहा जाता था, यहाँ पर सुबह 10:20 पर पहुँचती है और 10:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन प्रयागराज चिवकी जंक्शन में दोपहर के 1:30 पर पहुँचती है और 1:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 355 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है PCOI। इसके बाद पटना पूर्णा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सतना जंक्शन मध्य प्रदेश में शाम के 4:55 पर पहुंचती है और 5 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 525 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और अहमदाबाद दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है सतना जंक्शन मध्य प्रदेश में। इसके बाद पटना पूर्णा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कटनी जंक्शन
मध्य प्रदेश में शाम के 6:15 पर पहुंचती है और 6:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 623 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और जबलपुर रेवा इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद जबलपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में शाम के 7:40 पर पहुँचती है और 7:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 714 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश में ये ट्रेन जो है रात के 12 बजे पहुंचती है और 12:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 958 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है ET। इसके बाद ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह के 4:35 पहुंचती है और 4:40 सुबह वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और नागपुर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है वरोरा रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में सुबह 6:35 पर पहुँचती है और 6:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1405 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और वरोरा जंक्शन में ये ट्रेन वरोरा रेलवे स्टेशन में दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद मजरी जंक्शन में सुबह 6:50 पर पहुँचती है और 6:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1417 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MJRI। इसके बाद पटना पूर्णा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो वानी रेलवे स्टेशन पे सुबह 7:15 पर पहुंचती है और 7:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1430 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। आदिलाबाद जो कि तेलंगाना का स्टेशन है यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 10:55 पर पहुँचती है और 11:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1517 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद महाराष्ट्र के किनवट रेलवे स्टेशन पे सुबह 11:30 पर पहुँचती है और 11:31 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1562 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है KNVT। इसके बाद सहरसा कुंड रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में सुबह 11:55 पर पहुंचती है और 11:56 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1608 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SHSK। इसके बाद पटना पूर्णा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो हिमायत नगर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है दोपहर के 12:20 पर पहुँचती है और 12:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 1623 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है HEM। इसके बाद पटना पूर्णा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में दोपहर के 2:20 पर पहुंचती है और 2:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1703 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहां पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और इसका स्टेशन कोड है NED। इसके बाद पटना से पूर्णा तक चलने वाली पटना पूर्णा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन पूर्णा जंक्शन में दोपहर के 3:25 पर पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है 1732 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ पटना पूर्णा एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।